भाई पार्टी के प्रवक्ता होंगे भाई। कल हमने कल का विगत दो दिनों से लगातार इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया पर नेपाल और भारत का संबंध, जनकपुर से अयोध्या की बस यात्रा, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बस यात्रा को वहां से जनकपुर से झंडी दिखाकर चालू करना और अयोध्या के राम कथा पार्क में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसका स्वागत करना, आए हुए लोगों का उस बस यात्रा को रिसीव करना, आज सुबह मेरे दिल में भी एक भाव जगा कि हम लोग अयोध्या धरती के वासी हैं, चले उस पद पर बैठकर माता जानकी के धरती पर हो आए, प्रणाम कराए, नमन कराए, आशीर्वाद ले आए। पूरा फैजाबाद छान मारा क्योंकि अयोध्या में कोई बस स्टैंड तो है नहीं, तो मुझे लगा शायद राम कथा पार्क में बस मिल जाए जहां पर बैठ के हम भी जनकपुर जा सके, तो बस वहां थी ही नहीं, तो हमें लगा हो सकता है फैजाबाद बस स्टैंड पे हो, वहां चले जाए। फैजाबाद बस स्टैंड पे गए, वहां भी बस नहीं थी, तो बहुत खोजबीन के बाद पता लगा शायद बस घटना पैलेस होटल पे खड़ी है, तो मुझे लगा हो सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी ने कोई करार किया हो कि किसड़ा पैलेस के बाहर बस मिलेगी और वहां से यात्री बैठेंगे। वहां गए पता लगा बस वहां से भी निकल चुकी थी। अधिकारियों से बात किया, बहुत छानबीन किया, तो पता लगा कि दो दिन पहले कर्नाटक का चुनाव था, कर्नाटक में वोट पड़ रहा था, तो योगी जी का और मोदी जी का यह धार्मिक स्टंट था। यह केवल एक धार्मिक स्टंट था कि जनकपुर से अयोध्या बस आएगी। और अगर यह धार्मिक स्टंट नहीं है तो मैं आप सारे मीडिया के लोगों को न्योता दे रहा हूं कि मान लो बस आज चली गई है तो कल जितने बजे अयोध्या बस आएगी आप सबका किराया हम देंगे, हमारे साथ आप सारे लोग चलिए धार्मिक यात्रा, जनकपुर दर्शन कराइए, माता जानकी के चरणों में प्रणाम कराइए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल कर्नाटक में वोट पड़ रहा था और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये सारे लोग केवल धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, केवल ये माता जानकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बाजारीकरण करते हैं। भगवान इनके लिए आस्था का विषय नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता जानकी इनके लिए आस्था का, हमारे लिए आस्था है, हमारे लिए देवी देवता है, हम उनसे मन्नत मांगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये केवल बाजारीकरण और राजनीति में का एक साधन और माध्यम है। ये राम के नाम का सौदा करते हैं, माँ जानकी के नाम का सौदा करते हैं और वही काम उन्होंने कल किया। अगर ये बस चलनी है तो मैं भाजपा के नेताओं को चुनौती दे रहा हूं और मैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से कह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वहां शुरू किया और यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस बस को रिसीव किया। अयोध्या के साथ छलावा ना करें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती को जुमलेबाजी में ना फंसाएं। केवल अयोध्या की धरती को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मैं इस बात को बड़े प्रमाण के साथ कह सकता हूं। आप इतिहास उठाकर देख लो, अयोध्या में अगर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए भारतीय जनता पार्टी ने कराया, 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा के नाम पर विवाद अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया। अयोध्या में जो विवाद हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसलिए हम कहना चाहते हैं रामायण सर्किट जिसके लिए बड़ा बड़ा भाषण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दे रहे हैं, 2 साल पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इसका शिलान्यास किया था, कार सेवकपुरम में पत्थर लगा हुआ है। 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया रामायण सर्किट का। रामायण सर्किट का शिलान्यास 2 बार हो चुका है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उस रामायण सर्किट की आधारशिला कहां रखी गई, रामायण सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से काम हुए। ये जो सैकड़ों करोड़ की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या के विकास की करते हैं उसका एक ईंटा कहां रखा गया। केवल अयोध्या को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, केवल जुमलेबाजी करके धार्मिक उन्माद फैलाकर
चूंकि 4.5 साल बीत चुका मोदी जी का, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, या कोई भी धार्मिक स्थल हो, 2012 से लेकर 17 के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उसका विकास हुआ है। आप अयोध्या ही देख लीजिए, हम काशी और मथुरा की बात करेंगे तो कई दिन लग जाएगा, आप केवल अयोध्या देख लीजिए। अयोध्या में आज 52 करोड़ रुपए की लागत से जो विद्युतीकरण का काम चल रहा, किसकी देन है? आदरणीय अखिलेश यादव की देन है। सीवर लाइन अखिलेश यादव जी की देन है। तुलसी उद्यान, राजघाट, सौंदर्यीकरण अखिलेश यादव जी की देन है। त्वरित आर्थिक योजना से सड़कों का निर्माण अखिलेश यादव जी की देन है। सरकार चुनाव के 6 महीना पहले 14 करोड़ रुपया दिया था राम की पैड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए, अभी जो काम चल रहा है वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। घाटों पर चेंज रूम का निर्माण कराया, अखिलेश यादव जी की देन है। अयोध्या में भजन स्थल, 15 करोड़ रुपए से भजन स्थल का शिलान्यास किया था, और योगी जी की सरकार बनने के बाद भजन स्थल का काम धीमा पड़ गया है। क्या भजन करने के लिए वहां केवल समाजवादी लोग जाते? पूरे अयोध्या के लोग आते, देश विदेश के लोग आते, अयोध्या पर्यटन के रूप में विकसित होता भजन स्थल बनने के बाद, लेकिन आज वो काम भी धीमा पड़ गया। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया, तो हमने अयोध्या मथुरा काशी के लिए बहुत विकास किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमलेबाजी करके, केवल झूठ बोल करके धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। और आज जब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, 6-7-8 महीनों बाद चुनाव चालू हो जाएगा लोकसभा का, और इनको मालूम है विकास के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। आज उत्तर प्रदेश में आप बता दीजिए, आज 108 एम्बुलेंस में डीजल नहीं है, आज 100 डायल वसूली कर रहा है, 102 एम्बुलेंस में डीजल नहीं है, आज अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टरों का टोटा है। इसी फैजाबाद जिला अस्पताल की खबर हमारे सारे मीडिया कर्मी दिखाते हैं कि अस्पताल में वसूली हो रही है, बाहर की दवाई लिखी जा रही है, जो 100 तरह की जांचें अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था मुफ्त में, आज वो बंद हो गई है। तो आज आप बताओ आज कहां जा रहा उत्तर प्रदेश? हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार की बाढ़ आ गई है, और धर्म का जो घंटा योगी मोदी जी बजा रहे हैं उसमें भी जुमलेबाजी है, धर्म के नाम पे भी जुमलेबाजी हो रही है, भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं ये लोग। केवल कर्नाटक चुनाव में परसों वोट पड़ना था तो केवल मैसेज और संदेश देने के लिए कि हम राम भक्त, माता जानकी के भक्त, बस चला दिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं बता दीजिए बस कल कितने बजे आएगी, कहां मिलेगी, हम आप सारे लोगों को लेके चलेंगे। अभी कोई तैयारी नहीं है, आधी अधूरी तैयारी के साथ केवल धर्म का राजनीतिकरण करने के लिए, चुनाव में धर्म का लाभ लेने के लिए ये सारे काम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन जनता आज विकास चाहती है, जनता आज तरक्की चाहती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो एक्सप्रेस वे बनवाया, जो मेट्रो दिया, जो 102-108 एम्बुलेंस दिया, जो सुरक्षा दिया, जो बहनों के लिए 1090 दिया, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया, बेरोजगारी का भत्ता दिया, आज उत्तर प्रदेश की महान जनता ये चाहती है। किसान सिंचाई माफ चाहता है, अपने खेत और किसान का वाजिब मूल्य चाहता है। आज किसानों का भी अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मैं अयोध्या का एक आम नागरिक होने के नाते, अयोध्या का सेवक होने के नाते यह आरोप लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल अयोध्या फैजाबाद के लोगों को छला है, केवल अयोध्या फैजाबाद के लोगों को गुमराह किया है, माता जानकी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान किया है, इनका राजनीतिकरण करके धर्म के नाम पर इनका नाम लेकर के अपने राजनीति को चटकाने का काम किया है। आने वाले दिनों में ये अयोध्या फैजाबाद की महान जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, जो भी लोग माता जानकी और भगवान श्री राम को मानते हैं वो इनको माफ नहीं करेंगे, और 1922 में आदरणीय अखिलेश यादव का परचम लहराएगा। धन्यवाद।